वायरस की स्थिति है उसमें केवल भारत ही प्रभावित नहीं है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है, और केवल व्यवसाय प्रभावित नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी पूरी तरह से इससे इम्पेक्टेड हैं। तो जैसे ही ये लॉकडाउन आरंभ हुआ था उसी समय टीचर्स से बात की थी कि भाई अब हमें डिजिटल मोड ऑफ टीचिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन टीचिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और इसलिए डिफरेंट तरह के जो टूल्स हैं वो उनसे डिस्कस हुए थे, जो वेब एप्लीकेशंस हैं, वेब एक्स है या जूम है या माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब टेक्नोलॉजीज का या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितना सिलेबस हो गया था ये पहले डिस्कस हो गया था, एक अभी एक सप्ताह पहले मीटिंग हुई थी चेयरपर्सन और डीन्स और डीन ऑफ कॉलेजेस और रजिस्ट्रार सब के साथ, उसमें ये निकालने की कोशिश की गई कि इस दौरान हमने कितना सिलेबस और कर लिया है, अब जो सिलेबस बचा हुआ है उसको हम क्या 30 अप्रैल तक पूरा करने की स्थिति में हैं, और उसको पूरा करने की क्वालिटी क्या है, ठीक से वो पूरा भी हुआ है या नहीं। तो दो चीजें सामने आई थी कि भाई कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ऐसी जगह रहते हैं रिमोट एरियाज में, गाँव में, जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी ठीक नहीं है, और कुछ ये भी समस्या थी कि कुछ बच्चों के पास एंड्रॉयड बेस्ड जो स्मार्टफोन है वो नहीं है, तो उनसे दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि ये मैसेज वहाँ तक पहुँचे बच्चों तक कि किसी भी माध्यम से वो अपने टीचर के कॉन्टेक्ट में, चाहे सिंपल फोन है उसके माध्यम से भी टीचर के कॉन्टेक्ट में आ जाए। और मैं बच्चों को भी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उन पर कि भाई क्या होगा हमारा साल तो खराब नहीं होगा, ये अश्योर करना चाहता हूँ कि अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि स्टूडेंट्स का साल वेस्ट हो जाएगा। अभी एग्जाम होंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, उस पर फाइनल अभी UGC अपना एक व्यू बना रही है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सेमेस्टर बेस्ड होगा वो एग्जाम, या असाइनमेंट बेस्ड होगा एग्जामिनेशन, या ओपन बुक एग्जाम होगा, जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा दो चार दिन में स्थिति, और स्टूडेंट को ये अश्योर करते हैं कि उनका साल वेस्ट नहीं होगा। और हमने भी अब ये फैसला लिया है कि यूनिवर्सिटी के क्लासरूम को डिजिटाइज और प्रभावी तरीके से करें और वर्चुअल क्लासरूम में कन्वर्ट करें इस यूनिवर्सिटी को जितना जल्दी हो सके। UGC का क्या स्टैंड रहेगा सर इसको लेकर, यूनिवर्सिटी का? UGC ने एक कमेटी बनाई हुई है एग्जामिनेशन को लेकर, प्रोफेसर RC कुहाड़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के वाइस चांसलर हैं, वो उसके चेयरमैन है उस कमेटी के, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, मेरी उनसे दो बार बात हुई है, तो वो सारी तरह की ऑप्शंस जो है पूछ रहे हैं कि भाई क्या करें, किस तरह से चलेगा। अगर ये लॉकडाउन लंबा चलता है तो सर एग्जाम कैसे? हाँ, अगर ये लॉकडाउन लंबा चलता है तो फिर जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है, BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट है या MA फाइनल ईयर का, उसका तो कोई ना कोई पैटर्न निकालना ही पड़ेगा एग्जाम लेने का। और बाकी पर ये आम कंसेंसस भी बनता जा रहा है धीरे धीरे कि बाकी स्टूडेंट्स का हो सकता है उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए, और जब स्थिति ठीक हो तब उनका एग्जाम कंडक्ट कराए। यूनिवर्सिटी क्या तैयारी कर रही है सर स्थिति के लिए, एग्जाम अगर लेने पड़ेंगे या? हाँ, यूनिवर्सिटी उसके लिए तैयारी कर रही है, अभी भी हमने अपने जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का वो इस दौरान भी शुरू कर रखा है, और वर्चुअल क्लासरूम की तरफ और ऑनलाइन एग्जाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं।